दोस्तों आज ये मैं जीरावन मसाला भूनने जा रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि जीरावन मसाला में जो इंदौर के पोहा में जरूर ये पड़ता है मसाला, तो क्या क्या मसाला इसको हम डालते हैं जीरावन मसाला में। तो दोस्तों मैंने ये काली मिर्च मैंने 10-12 लिया हुआ है, लौंग जो है 6-7 ले लिया है, और जावित्री इसमें सबसे मस्ट जावित्री पड़ती है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है, जीरा है और धनिया है, और सौंफ इसमें जरूर पड़ता है। इसके बाद मैंने ये तो जायफल लिया हुआ है और ये छोटी इलायची है। इन सबको हम अच्छे से गैस को मैंने ऑन कर लिया है, ये सारे मसाले, और ये मैंने जो है दालचीनी का ये टुकड़ा लिया हुआ है। अब इन सबको अच्छे से हमको भून लेना है। अब दोस्तों ये सारा मसाला हमारा, खड़ी धनिया जीरा जितने मैंने डाले सब मैंने भून के हम गैस को ऑफ कर देंगे, उसको थाली में निकाल के हम ठंडा करेंगे। अब ऐसे थाली में निकाल के उसको ठंडा कर लेंगे, फिर इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो दोस्तों देखिए मसाला हमारा ये पीस गया जो मैंने भुना था, मिक्सी मैंने पीस लिया। इसमें और अभी और मसाले ऐड होंगे, तो मैं आधा चम्मच इसमें जो है सादा नमक डाल रही हूँ, और इसमें आधा चम्मच ही इसमें जो है काला नमक जाएगा, और इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच अमचूर डाल रही हूँ, छोटा 1 चम्मच है, और छोटा 1 चम्मच ही मैं इसमें सौंठ डाल रही हूँ, सौंठ का पाउडर। अब ये सब डाल करके दोस्तों इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है, और एक बार हम फिर जो है इसको एक बार और हम इसको अच्छे से हम चला देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है जीरावन मसाला तैयार है दोस्तों, और कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। आप ये विशेषकर इंदौरी पोहा में तो पड़ता ही है, साथ में आप इसको डालमोट वगैरह में या बड़े के साथ या किसी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं खाने में, या फल में डाल करके भी आप खा सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये रेसिपी, और इसको दोस्तों हम एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख देंगे, ये 6 महीने तक कभी खराब नहीं होता क्योंकि सब भुना मसाला है। तो दोस्तों अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और माँ का खजाना किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।